खबर अयोध्या से है, जहां पर थानापुरा कलंदर क्षेत्र के अंतर्गत लगभग एक वर्ष पहले हुई घटना में एक युवक की मौत हो गई थी, जिसमें विपक्षियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की विवेचना अभी तक चल रही है, जिसमें आरोपियों को अभी तक सजा नहीं हुई। मृतका की पत्नी पीड़िता बिमला सिंह पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता बिमला सिंह ने बताया कि डीआईजी को मिलकर शिकायती पत्र दिया है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सजा देकर उनको न्याय की गुहार लगाई है। इसी कड़ी में श्रीराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश सिंह ने कहा कि मैं पीड़िता के साथ महानिरीक्षक से मिला, उन्होंने दो दिन के अंदर कार्रवाई करने के लिए कहा। साथ में यह भी कहा कि यदि कार्रवाई नहीं होती है तो बहन के साथ धरने पर बैठकर प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि मामला एक वर्ष पहले पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के फिरोजपुर गाँव का है, जहाँ पर दो पक्षों में हुई मारपीट में एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य घायलों की स्थिति काफी गंभीर थी। इस मामले में पुलिस ने नामजद आरोपियों में से दो को गिरफ्तार करने के बाद बाकी अन्य की तलाश में जुटी। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के फिरोजपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच गुरुवार को खूनी भिड़ंत हुई थी। घटना में ज्ञानेंद्र सिंह, विपेन सिंह, मोहित सिंह, अमरेंद्र सिंह सहित छह लोग घायल हुए थे। पुलिस ने सभी घायलों को सीएससी मसौदा भिजवाया था, जहां से तीन घायलों को हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के लिए और इसके बाद लखनऊ के केजीमू ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान लखनऊ में भर्ती विपेंद्र सिंह उर्फ मोहित सिंह की मौत हो गई थी। थानाध्यक्ष पूरा कलंदर राजेश सिंह ने बताया कि पीड़िता विमला देवी की तहरीर पर ब्रजेंद्र कुमार सिंह, सुरेश सिंह समेत 10 लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था। एक फिरोजपुर हत्याकांड है जो एक साल पहले हुई थी, उसमें क्या नाम है कि अभी तक एक साल तक पुलिस की ये छवि रही कि एक साल में पूरा कलंदर SO जो पहले थे और वर्तमान जो है, इन लोगों की हिला हवाली है कि ये लोग क्या नाम है कि किन कारणों से किसके दबाव में ये लोग उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। अभी क्या नाम है कि माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद परसों गाड़ी गई थी, गाड़ी जा कर के वापस लौट आई, मात्र वहाँ के उनके यहाँ बैठ करके चाय पानी पी करके वापस चले। ये वहाँ के SO की घोर लापरवाही है, इसकी शिकायत वर्तमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक माननीय मुनिराज जी से की गई थी। और क्या नाम है कि उन्होंने बहुत ही डांटा था उनको, शर्मा जो SO है वहाँ पे, कोई एक्शन नहीं लिया हुआ उनके ऊपर। विगत अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई, ये बताई कि हम छुट्टी पर हैं, लेकिन आज आप DIG से मिले, क्या कहा इन्होंने? अभी जैसे मैं DIG श्री प्रवीण कुमार जी से मैंने हमारी मुलाकात हुई है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है यहाँ पर क्या नाम है कि न्यायालय के सम्मान के लिए दो दिन के अंदर उनके यहाँ कुर्की होगी, इसका आश्वासन उन्होंने दिया है। क्या संतुष्ट हैं आप? हाँ, हम लोग दो दिन क्या नाम है कि के लिए हम लोग वेट करेंगे। अगर क्या नाम है कि दो दिन के अंदर उनकी कार्रवाई नहीं होती है तो मैं वादा कर रहा हूँ इस बहन को लेकर के हम लोग धरने पे बैठ जाएंगे। वो विपेंद्र प्रताप सिंह को बिरजेश सिंह, राकेश सिंह, सुरेश सिंह, चित्रसेन सिंह और रब्बी सिंह, नीलेश सिंह और मिथिलेश सिंह, सोनी सिंह, अंकिता सिंह, प्रीति सिंह, सब लोग मिलके रोहे के लाठ से, डंडा से, लाठी से, सब पीट पीट के गदाला से मारे हैं हमारे दरवाजे के सामने। और उनकी 7 मई को मौत हो गई और तब से हम लोग दौड़ रहे हैं, ये लोग पैसा ले लेकर सब काम दबाए हैं। कप्तान से मिले, कप्तान साहब ने कुर्की के लिए आदेश दिया तो ये आज तक नहीं किए। तो हम आप यहाँ मिलने आए थे DIG साहब से, आज हम मिले हैं तो कह रहे हैं कि हम करवाएंगे। संतुष्ट हैं आप? सर, हम संतुष्ट अभी कुछ नहीं, जब हमारा काम हो जाएगा। ग्राम और किस तरह मामला है? ये ग्राम फिरोजपुर थाना पूरा कलंदर जिला। चाहती आप, चाहती क्या हो आप? हम यही चाहती हैं कि उन लोगों की गिरफ्तारी हो जाए, कुर्की हो जाए और इनको सजा मिले। क्या नाम आपका है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमला सिंह है। फिरोजपुर। अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।